फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आपके आ रहे हैं 400 प्लस मार्क्स तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से 380 मार्क्स पे 2023 में बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2024 में आपके 400 के प्लस आसपास मार्क्स हैं और आप कंफ्यूज हो कि क्या मुझे MBBS मिलेगा या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर की, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं 2023 का दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आपके सामने जो ओपन कर रखा है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। 2023 में जो एक राउंड हुआ था जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, तो ये आप मान के चलना कि ये सबसे लास्ट में जो राउंड हुआ था इसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, ये 2023 में हुआ था। इस शीट में मैं आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से लास्ट रैंक्स क्या थी जिनको बच्चों को MBBS मिला था, और वो भी किस गवर्नमेंट कॉलेज में, MBBS कोटा जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो 2023 का है मैं आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, और आप देख सकते हो कि इसमें जो सबसे पहली रैंक ओपन हुई थी जिसको स्ट्रे वैकेंसी में मिला था, दैट रैंक वाज अराउंड 13,469। इसको ओपन कोटा से मिला था। एक बच्चे की 15,000 रैंक थी, उसको एम्स बठिंडा मिला था। एक बच्चे की 16 रैंक थी, 17,000 थी। 20,000 रैंक पे आप देख सकते हो OBC कैटेगरी का बच्चा था, इसको MBBS यहाँ पे एलोकेशन हुआ था। एक बच्चे की रैंक थी 21,073, इसको MBBS मिला था। उसी प्रकार दोस्तों, अब सीधा चलते हैं 23,373 रैंक पे, तो एक जनरल का बच्चा था जिसकी 23,373 थी, उसको PGIMS मिला था रोहतक वाला, जो हरियाणा का कॉलेज है। उसके बाद दोस्तों देखियो, ये सारे स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड के कॉलेज हैं, ये उनके जैसे कि क्या होता है कि जो AIQ के जो कॉलेज होता है, जो बच्चे छोड़ देते हैं 15% के अंदर, तो वो स्टेट कोटा में भरे जाते हैं। लेकिन जो AIQ के बच्चे होते हैं वो अपने स्टेट का कॉलेज ज्वाइन करके AIQ के कॉलेज छोड़ देते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा 25,000 रैंक पे। अगर आप 25,000 रैंक पे देखोगे, एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 25,013, उसको MBBS मिला था, वो EWS कैटेगरी का था स्टे वैकेंसी राउंड में। अगर अगली MBBS हम यहाँ पे देखते हैं, एक बच्चे की रैंक थी 52,379, उसको मदुरई जो तमिलनाडु है उसका MBBS कॉलेज मिला था। उसके बाद दोस्तों अगला MBBS हम यहाँ पे देखते हैं, तो एक बच्चे की रैंक थी 64,976, उसको डीम्ड कोटा से मिला था। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जो बात करूँगा वो ऑल इंडिया कोटा की बात करूँगा। अब ऑल इंडिया कोटा में अगर आप नीचे जाके देखोगे तो देखो 115,981 से डीम्ड उसको मिला। लेकिन एक बच्चा था इसकी रैंक देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे की रैंक है 125,412 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में बच्चे को दरभंगा बिहार का MBBS मेडिकल कॉलेज, दरभंगा जो मेडिकल कॉलेज है, मिला। फिर एक बच्चे की रैंक थी 126,902, उसको MBBS मिला, और वो वेस्ट बंगाल का कॉलेज था वो मिला। एक बच्चे की रैंक थी 127,661, उसको MBBS मिला। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो देहरादून का जो उत्तराखंड का कॉलेज है, ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिलअप किया गया ऑल इंडिया कोटा से। और आप देख सकते हो ये जो कॉलेज हैं ये सारे ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज हैं, ये जो उनको कोर्स अलोकेट हुआ ये कॉलेज है। तो आप देख रहे हो किस तरह से स्टे वैकेंसी राउंड में बच्चे जो AIQ के बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं, वो काफ़ी कम रैंक के बच्चों को यहाँ पे एलोकेशंस मिल जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, दोस्तों एक बच्चे की रैंक यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है, 135,275, इसको डीम्ड कोटा से मिला था MBBS। लेकिन मैं अभी डीम्ड कोटे की बात नहीं कर रहा, मैं आपको MBBS से देखिए, एक बच्चे की रैंक थी 1,69,009, और एक बच्चे की रैंक थी 1,69,988। इस पे बच्चे होप छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बच्चे को मणिपुर का मेडिकल कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज, कितनी अच्छी बात है। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर वन स्टूडेंट जिसको तमिलनाडु का कॉलेज मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो जिसकी लगभग 1,70,000 जिस बच्चे की रैंक थी उसको एलोकेशन मिला। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम नीचे जाके देखते हैं और ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से, तो ऑल इंडिया कोटा में BDS के बच्चों को एलोकेशन मिले, ये जो BDS के एलोकेशन है जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनकी 1,00,000 से ऊपर रैंक थी। उसके बाद ये लास्ट है, एक बच्चे की रैंक थी 2,52,105, उसको ESIC कोटा से BSc नर्सिंग यहाँ पे मिला। और उसके बाद जितने भी कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, वो सारे के सारे कॉलेज आपको BDS वाले मिलेंगे। तो जो BDS का एलोकेशन काफ़ी नीचे मिलता है जो मैंने आपको बताया, बाकी डीम्ड कोटा और उसके हिसाब से आपकी कितनी भी रैंक हो वहाँ पर मिल सकता है। तो ये मैंने आपको टोटल बताया, तो लगभग 1,69,000 जो मैंने लास्ट रैंक बताई उस पर भी बच्चों को MBBS का एलोकेशन हुआ। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपने देखा किस तरह से 1,50,000 की रैंक पे बच्चे MBBS ले गए, बिकॉज उनको पता था कि ये एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड था जो मैंने आपको शीट को शेयर किया। तो मैं जितने भी बच्चों से बोलता हूँ कि आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको MBBS की काउंसलिंग के लिए तब तक ट्राई करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार मेरा AIQ राउंड 1 में नहीं हुआ, AIQ राउंड 2 में नहीं हुआ, सो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि मेरा अगले राउंड में हो जाए। लेकिन आपने देखा किस तरह से ये जो स्पेशल, और ये पूरी की सीट है ना वो NTA की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी देखिए, और इसका नाम था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप देख सकते हो
ये राउंड था स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो इसने कराया था एनटीए ने। ये बेसिकली सबसे लास्ट राउंड होता है जब स्टेट कोटा भी हो जाता है, स्टेट कोटा की सीटें खाली रह जाए एआईक्यू के जो बच्चे हैं। उस क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आपकी काउंसलिंग हुई एमबीबीएस की, तो आपको एआईक्यू से कॉलेज अलॉकेट हुआ, टॉपर ने कोई भी कॉलेज ले लिया, फिर उसको क्या लगता है कि जैसे उसको अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिलता है वो एआईक्यू का कॉलेज छोड़ देता है। अब स्टेट सिर्फ 85% सीटें ही भरते हैं, बची 15% सीटें स्टेट्स नहीं भर सकते, तो वो फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भरी जाती है। तो उसमें जो बच्चे अप्लाई करते हैं, जो उसके लिए ऑप्ट करते हैं, उन्हीं बच्चों को वो एलोकेशन मिलता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अप्लाई करें, और जैसे ही इसका क्या प्रोसीजर होगा काउंसलिंग का, थोड़े दिनों में भी इसकी कट ऑफ आंसर किया जाएगी, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि आपको क्या कॉलेज लेने चाहिए और किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।